अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोप्रियोसेप्टर्स ये बेसिकली इनवर्टिब्रेट सेंसिस रिसेप्टर्स हम पढ़ रहे हैं जिसमें से एक हैं प्रोप्रियोसेप्ट इन्हें हम स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी कहते हैं ये बॉडी की इंटरनल साइड पे प्रेजेंट होते हैं ठीक है और ये उन सारी चेंजेस को रिस्पॉन्स करते हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं स्ट्रेचिंग से कंप्रेशन से बैंडिंग से और टेंशन से इसके अलावा ये रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स यानी एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स किस तरह मूव कर रहे हैं और उनकी एक दूसरे के लिहाज से पोजीशंस क्या हैं इनको सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया है आर्थ्रोपोर्स में आर्थ्रोपोर्स में ये एसोसिएट हैं जॉइंट्स के साथ और बॉडी एक्सटेंसर मसल्स के साथ अब वो न्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन्स जिनका काम क्या है प्रोप्रियोसेप्शन में वो इन्वॉल्व हैं वो एसोसिएट होते हैं कुछ स्पेसिफ़िक पार्ट्स के साथ आर्थ्रोपोर्स में अब वो स्पेसिफिक पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स हो सकते हैं इलास्टिक कनेक्टिव टिशू फाइबर्स हो सकते हैं कोई मेम्ब्रेंस हो सकती हैं ठीक है जो ज्वाइंट्स तक फैली हुई हैं अच्छा अब जैसे ही कोई स्ट्रक्चर जो है वो शेप चेंज करता है तो वहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज लेके जाते हैं नर्व एंडिंग्स तक ठीक है वहाँ पे क्या होता है डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होती है और रिजल्ट में क्या हमें मिलता है ग्रेडिट पोटेंशियल जो कि चेंज हो जाता है एक्टिव एक्शन पोटेंशियल में और रिस्पॉन्स किया जाता है उस टीमूलाए को यहाँ पे आप सबसे पहले देखें कि स्ट्रेचिंग मसल्स हैं जो कि एक्टिवेट कर देते हैं रिसेप्टर्स को उसके बाद जो नर्व एंडिंग्स हैं वो मैसेज रिसीव करती हैं जनरेटर पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है उसके बाद जो जनरेटर पोटेंशियल है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्शन पोटेंशियल में और उसके बाद क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल की सेल्फ़ प्रोपोगेशन हो जाती है इस तरह मैसेज जो है वो चला जाता है प्रोसेसिंग सेंटर तक और एड क्या हो जाता है उसके बाद के रिस्पॉन्स दिया जाता है स्टीमोलाय को